फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ और ब्लॉग में क्या होने वाला है वो आप आगे आगे देखिए। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहना और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलो ब्लॉग को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की अपडेट ये है कि हमारे गाँव में शादी है और मैं ना ब्राइडल को मेहंदी लगाने जा रही हूँ, तो देखते हैं वहाँ पर क्या क्या होता है। मैं चलती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। फ्रेंड्स, मैं पहुँच गई हूँ ब्राइडल के घर, जिसको मैं मेहंदी लगाऊंगी और थाली मैंने सजा दी, ये देखो। और ब्राइडल तैयार हो रही है उधर, वो देखो। अब मैं इसको भी तैयार करूंगी, ये देखो इसका हेयर स्टाइल बनाने जा रही हूँ मैं। ये कर चलाना है इतने गंदे ऊपर पहन लिया ताइया, यही हो मैं ही तैयार करा दी है, दिखे लिया लग दी है। तो मेरी बू है, रिश्ते से मेरी बू लग दी है। ब्राइडल तो रेडी हो गई मेहंदी ताइए, कने मेहंदी के स्टेज पर बैठी हो, कने अपने पोज बना दिए, दिखा नी ओ फोटो है कर खिंचने वाली है। मैं घर आ गई हूँ, अब मेहंदी लगा के थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। मैं गई तो दिन में थी, लेकिन वहाँ थोड़ा वो ब्राइडल तैयार होने लग पड़ी, तो उसके बाद थोड़ी देरी से स्टार्ट करी थी मेहंदी लगाने। तो अब मैं फ्री हुई हूँ 5:30 बजे और अब मैं घर आई हूँ, आते आते थोड़ा फोटो वगैरह खींच रही हूँ और थक गई हूँ। रेस्ट करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे कल। आज है नेक्स्ट डे और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। हमारे घर में पेंटिंग का काम लगा हुआ था ना, वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, बस आज का दिन है थोड़ा सा रहता है ऊपर का। ये देखिए हमारे घर का कलर हो चुका है ऊपर का भी, बस अब ऊपर का रहा वो ग्रीन करना है। थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया, ये देखो हमारे गेट में पूरा रेड रेड कर दिया। पहले ये जो बेल वगैरह जो बनी थी ये सिल्वर कलर की थी, बॉर्डर वगैरह से ऊपर का रंग ना फेड हो चुका था, धूप से फेड हो जाता है, तो फिर ये अब नीचे की तरह करवा दिए प्लास्टिक पेंट। और ये भी खम्भे जो दिख रहे हैं आपको, ये पहले रेड थे, अब ये ग्रीन हो गए, थोड़ा थोड़ी चेंजिंग हो गई। और हमारे ये मंदिर में भी हो गया कलर, मंदिर में भी कलर हो गया। पहले इसमें भी बाहर की साइड पिंक था, अब पर्पल कर दिया, घर की दीवारों के साथ मैच करता हुआ कलर। और ये फट्टा रहता ऊपर का, ऊपर वाली मंजिल का। और यहाँ बरामदे में ऊपर वाली मंजिल में ना पिंक कलर था, ये भी पर्पल हो गया। और ये पीछे का भी, अब बाहर का ना पीछे की साइड का एक जैसा कर दिया, ये फेड हो जाता था, अब एक जैसा कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह का कलर करवाया। अब पीछे की साइड जो दीवार थी ना साइड की, वो पिंक थी, अब वो पर्पल कर दी। और अब हम करते हैं लंच। अब शाम हो गई है, अब मैं शादी के लिए रेडी हो रही हूँ।
दिन में तो मैं गई नहीं, मैंने जाना था ना, लेकिन मेरे पास ना एक स्टूडेंट आती है मेहंदी सीखने के लिए, मैंने सोचा वो आएगी, लेकिन वो भी नहीं आई फिर। और मम्मी होके आ गए दो बार। और ये देखो, और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो मैंने स्वेटर अपनी रेडी कर दी है। इसको बनाए हुए तो हो गया एक हफ्ता, लेकिन ना मैं बटन लाने गई थी यहाँ अपनी लोकल मार्केट में, वहाँ पे मुझे इसके बटन नहीं मिले, पसंद नहीं आए, तो अब मैं दूसरी मार्केट में जाऊँगी फिर बटन लाऊँगी, नहीं तो मैं इसको पहनने वाली थी आज, ये पहन नहीं सकूँगी। ये देखो मेरी स्वेटर, ये देखो अब ये तो जब बटन लगेंगे तभी पहनूंगी। अब नेक्स्ट सर्दियों में देखना, ये वाली सर्दी तो चली गई, तो अब हम रेडी हो लेते हैं। अबू तुम जाना, अबू भी जाए। ये देखो फ्रेंड्स, 6 बज गए, मैं 15-20 मिनट में रेडी हो गई हूँ। तो अब अभी मम्मी वगैरह ने रेडी होना है, और हमारी बुआ जी भी आए हैं। ये देखो बड़े बुआ जी, ये आया बड़ी बुआ जी, बड़ी बुआ, छोटे बुआ नहीं आ पाए हैं, छोटे बुआ किसी कारण से नहीं आ सके, नहीं तो छोटे बुआ ने भी आना था। बुआ हेलो बोली दिया, दिखाओ, बुआ भी हेलो बोला दे। तो अब मम्मी भी रेडी होएंगे, फिर हम चल पड़ेंगे शादी में, और अब फोटो वगैरह खींच लेते दो चार, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, फिर अंधेरे में फ़ोटो नहीं आएंगे। फ्रेंड्स मैं पहुंच गई हूँ यहाँ शादी वाले घर, और यहाँ पर दुल्हन को रेडी किया जा रहा है। ये देखिए अभी दुल्हन रेडी हो रही है, तो बाद में दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर बाद जब ये पूरी तैयार हो जाएगी। ये देखो फ्रेंड्स, दुल्हन रेडी है, ये है इसका फाइनल लुक। मेरा कैमरा सही नहीं है तो थोड़ा आप ब्राइटनेस कम ही दिखेगी। दुल्हन की अब स्टेज में जाने की तैयारी है, तो यहाँ पर उसके भाई आ गए हैं,